सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना ताकि चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वेलकम टू डांस किचन टेल्स। आज हम बनाने वाले हैं गुरुद्वारा स्टाइल काढ़ा प्रसाद, यानी कि गेहूं के आटे से बना हुआ हलवा। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में लेंगे आधा कप घी। वैसे हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए पूरा एक कप घी, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। घी पिघलने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कप गेहूं का आटा और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि गेहूं के आटे को हमें काफ़ी अच्छे से भून लेना है। शुरुआत में एक 2-3 मिनट भूनने के बाद हमें इसमें फिर 2-3 चम्मच घी डालना है। जितना हम घी डालेंगे काढ़ा प्रसाद उतना ही अच्छा बनेगा। यदि एक कप आटा हो तो एक कप घी। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है और धीमे आंच पे आटे को हमें भूनना है। 5 से 7 मिनट में ही कुछ ऐसा रंग हमारे आटे का हो जाएगा। ऐसा डार्क ब्राउन रंग होने तक हमें इसे भूनना है, जिसमें लिए 10 से 12 मिनट लगेंगे। आटा अच्छे से भूनने के बाद हमें इसमें 2 कप पानी मिलाना है, पर धीरे धीरे करके। काढ़ा प्रसाद बनते समय और बनने तक गैस जो है वो हमेशा धीमा ही रहेगा। कुछ इस तरह हमारा काढ़ा प्रसाद दिखेगा। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। 1 कप आटे के लिए 1 कप शक्कर। शक्कर डालने के बाद हम इसे अच्छे से आटे के साथ मिला लेंगे। 2-4 मिनट बाद हमारी शक्कर जो है वो पिघल जाएगी। इस समय हम उसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इसे 2 मिनट के लिए हम ढककर पकने देंगे। और हमारा काढ़ा प्रसाद तैयार है।